हे हेलो, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो आने होने वाली है बहुत कमाल की, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ऐसे, जहां पे आपको दिख रहा है जी हां, आप ऐसे इंस्टाग्राम के पोस्ट कैसे बना सकते हैं, एकदम जबरदस्त इंस्टाग्राम का मोटिवेशनल पोस्ट या कोई भी पोस्ट आप बना सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो एक एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं, तो वीडियो अगर थोड़ा लंबा होगा तो एडजस्ट कर लेना यार, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को एकदम ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपको एक एक चीज प्रॉपर वे में समझ में आ जाएगा और आप समझ जाएंगे कि इस तरह के पोस्ट आखिर बनते कैसे हैं, वो भी एकदम प्रोफेशनली, वो भी मोबाइल के यूज से। जी हाँ, इस वीडियो में आपको एकदम समझ में आने वाला है, मोबाइल से आपको बनाना सिखाऊंगा ऐसे ऐसे इंस्टाग्राम के पोस्ट। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार, वही पुरानी बात, एक बात क्या कि हर मंगलवार और हर शनिवार को आपके लिए इस चैनल पे एक स्पेशली नया वीडियो आ रहा है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि चंदन द क्रिएटर चैनल आपका है तो आपको ही सपोर्ट करना होगा, है ना। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और जानते हैं कि कैसे बनता है ऐसा फोटोज, ऐसा पोस्ट। ओके, लेट्स गो। तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। अब आइए मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूं कि आपको कैसे बनाना है ऐसे मोटिवेशनल पोस्ट, और आपको एक एक चीजों को मैं समझाता हूं कि आपको बारीक, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। ठीक है, वीडियो लंबा होगा, ये मैं आपको पहले ही बोल चुका है, वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको देखना है पूरा और पूरा समझना है, क्योंकि अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तभी आप आसानी से बना पाएंगे। हाँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बता दें। देखिए, आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में आना है। ठीक है, आपके मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर होगा, आपको उसके अंदर में आना है और आपको यहाँ पे सिंपली एक ऐप डाउनलोड करना है। आपको यहाँ पे सर्च करना है पिक्सल लैब। जी हाँ, हम लोग इसी से बताएंगे, टेंशन ना लीजिए, मैं आपको इसी से बताऊंगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा और लोगों को वीडियो आपको समझ में आया ना है, लेकिन इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, पिक्सल लैब आपको यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो आपको अनइंस्टॉल ओपन का ऑप्शन देता है, तो आपको सिंपली ओपन पे क्लिक कर देना है। जी हाँ, आपको ओपन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपके भी फोन में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो मैं आपको जैसे जैसे बता रहा हूँ आप एकदम ध्यान से देखते जाइए। जैसे ही आपको इस टाइप का इंटरफेस आपको मिलेगा तो नीचे में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, नीचे में आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलता है और यहाँ पे ऊपर में कुछ ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ये जो सबसे पहले दोस्तों आपको टेक्स्ट देखने को मिलता है, आपको यहाँ पे जो डिलीट का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे मैं एक बार ये ड्रा करते करते मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखिए, ये जो आपको डिलीट का ऑप्शन दे रहा है आपको इसी पे क्लिक करके टेक्स्ट को डिलीट कर देना है। ऐसे करोगे आप, यहाँ पे डिलीट पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक है, अब आगे का प्रोसेस आपको नीचे करना है। नीचे में आप आओगे ये वाला जो है, जी हाँ, आपको यहाँ पे ये भी मैं ड्रा करके आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड रुक जाइए। ये देखिए, नीचे में जो ये वाला आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे जो ऑप्शन देखने को मिलता है ट्रांसपेरेंट, या तो आपको इस पर क्लिक कर देना है या तो आपको यहाँ से ब्लैक कलर ले लेना है, दोनों आप कर सकते हो, आपके ऊपर में है। तो मैं यहाँ से सिंपली एक ब्लैक कलर उठा लूँगा, तो यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ब्लैक कलर मैं चूज कर ले रहा हूँ और फिर यहाँ पे हमको डन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये काम करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपना एक फोटो ऐड करना है। तो ठीक है, फोटो ऐड करने के लिए यहां पे फिर मैं ड्रा करके बता दूं, यहां पे जो प्लस का ऑप्शन दे रहा है आपको इस पे क्लिक कर देना है, ऐसे ही आपको प्लस पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको फ्रॉम गैलरी पे क्लिक कर देना है, आपको फोटो वो ऐड करना है दोस्त जो आप लगाना चाहते हैं। कौन सा? जो आप अपने मोटिवेशनल पोस्ट में लगाना चाहते हैं आपको वो फोटो ऐड करना है। ठीक है, सिंपली आप जहां से भी यहां से चाहें तो आप चूज कर सकते हैं, आप जहां भी अपना फोटो रखे हो आप अपना चूज कर लीजिए। ठीक है, तो मैं अपना एक फोटो चूज करके आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली मैं अपना एक फोटो यहाँ पे चूज कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ मैं। हाँ, तो ये फोटो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा तो मैं इस फोटो को चूज कर ले रहा हूँ और मैंने इसको चूज कर लिया। अब इसको यहाँ से देखिए, ये जो ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, और देखिए ये वाला जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से आपको अपनी इमेज को बराबर से सेट कर लेना है, सेटिंग के हिसाब से आपको सेट कर लेना है। ठीक है, ताकि
एकदम जब आप बेस्ट सेटिंग की इमेज को अपने बैठा देंगे, तब थोड़ा सा आपको थोड़ा सा नीचे में स्पेस छोड़ना है और ऊपर में आपको ऐसे कर देना है ताकि आपका जो चेहरा है वो थोड़ा सा दिखे, मतलब जो भी सामने आप मॉडल लगा रहे हैं, जो भी जिस चीज़ का आप फोटो लगा रहे हैं वो क्लियर दिखे। अब ये करने के बाद में दोस्त आपको करना क्या है, आपको एक ब्लर इमेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आपको एक डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का चैनल मिलेगा, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करेंगे वहाँ पर आपको एक ब्लर इमेज का फोटो मिलेगा, मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। फिर आपको सिंपली करना है और गैलरी में आपको जाना है और सेम प्रोसेस के साथ में आपको फिर एक फोटो ऐड करनी है ब्लर इमेज। इसको ये थोड़ा सा मैंने सेटिंग कर दिया हुआ है इधर उधर में, राउंड स्पेस इमेज में इसको बोलता हूं, आप यहां पे देख सकते हैं मैंने इस इमेज को ऐड किया। ये इमेज दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का, वहां पर आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। यही इमेज से दोस्त बनेगा। हाँ, अब मैं आपको दिखाता हूं कि यह कैसे होगा। इसको आपको स्लाइड करते हुए थोड़ा थोड़ा नीचे करना है और अपने इमेज के साथ में इसको सेट कर देना है, ठीक है। जैसे जैसे हो इसको आपको स्लाइड करते जाना है और अपने इमेज के साथ में इसको सेट करते जाना है। ध्यान रखिएगा उस इमेज के चक्कर में दूसरा इमेज ना इधर उधर हो। हाँ, तो आप यहां से ऑप्शन करके इस इमेज को लॉक भी कर सकते हैं ताकि जो पहला वाला इमेज है वो इधर उधर ना हो, ठीक है। अब आप इसको आसानी से जैसे चाहे वैसे सेट कर देते हैं, ऐसे सेट कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। अब ये हो चुका है एकदम से सेट, अब ये सेट हो चुका है। अब आपको इसमें टेक्स्ट लिखना है, देखिए एकदम मस्त सा लग रहा है नीचे में, ऐसा हो चुका है। अब यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना है, एकदम ध्यान से समझिएगा आपको कैसे क्या करना है। अब इतना करने के बाद में दोस्तों आपको ड्रा पे क्लिक करना, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये जो नीचे ए का ऑप्शन दे रहा है ना, यहाँ पे ए, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दो टेक्स्ट और यहाँ पे क्वेस्ट ऐसा ऑप्शन देता है, तो आपको सिंपली टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, आपको ऐसा करके एक ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब ऐसे आ जाएगा टेक्स्ट लिखने का। आप यहाँ पे जो भी पोस्ट, जो भी मोटिवेशन वाली चीज आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं एक लिख देता हूँ, पैर की मोच, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, पैर की मोच और छोटी सोच, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दिया, पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती, इंसान को आगे बढ़ने, एक मिनट, बढ़ने नहीं देती, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं लिख दिया, अब इसको आप अपने हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, जो भी जैसे में आप, मतलब ये अच्छा लगे इमेज आपको। हाँ, अब इसको एडजस्ट करके आपको यहाँ पे सेट करना है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कलर कैसे करना है, क्योंकि ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा फंट भी सही नहीं लग रहा है, तो कलर अब इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसको ब्यूटीफुल कैसे बनाएंगे, फंट को थोड़ा सही कैसे करेंगे, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्या करना है, आप जो लिखे हुए हैं आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस टाइप का नीचे में ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इन सब में आना है। सबसे पहले आपको फंट चूज करना है, तो आप जब कुछ देर तक स्लाइड करेंगे इधर उधर तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फंट का। हाँ, तो आपको तो ये जो आपको फंड का ऑप्शन देता है आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे जो भी फंड सब लेबल रहेंगे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, बहुत सारे फंड्स होते हैं, और उसके बाद में आप अपना भी कोई यहाँ पे फंड ऐड कर सकते हैं, या तो आप रिसेंट में जो भी यूज करेंगे आपको वहाँ पे दिख जाएगा। तो आपको दोस्तों अपने हिसाब से चूज कर लेना है इसको कि कौन सा बेस्ट लग रहा है, तो थोड़ा सा मुझे ये बेस्ट लग रहा है तो मैं इसको ऐसे चूज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको चूज कर दिया। आप देखिए, आप इसको जितना ही करेंगे उतना ही आप निखार इसमें लाते जाएंगे। अब इस दोस्तों कुछ फंटों को अब इसको हमको कलर करना है ताकि ये थोड़ा ब्यूटीफुल दिखे, तो सिंपली यहाँ पे देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी कर दिया मैं, सिंपली फिर से टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐसे करते जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक कलर का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको मैं राउंड करके दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे एक कलर का ऑप्शन दिखता है, आपको सिंपली इस कलर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब जिस जिसको आपको रंगना है, जिस कलर में आप रंग सकते हैं, जैसे कि पैर, यहाँ पे मोच जो है इसको मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है, और छोटी, एक मिनट, मोच छोटी, और नीचे में यहाँ पे कुछ जिसको आप चाहेंगे तो यहाँ पे कर सकते हैं बढ़िया से आप कलर, एकदम आपको प्रोफेशनल दिखाने के लिए आप जैसा जैसा आप चाहें वैसा भी आप कलर कर पाएंगे दोस्तों।
यहाँ पे आपको एक एक ऑप्शन मिलता है जो आप चाहे वो कर पाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब मैंने इसको लिख दिया, अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा प्रोफेशनली लग रहा है। अभी इसको दोस्तों जितना ही अच्छा बनाया जाए, ऊपर नीचे करके जैसे भी आप चाहें इसमें से इधर उधर कर सकते हैं, और इसको आप जितना अच्छा चाहें उतना अच्छा बना पाएंगे। आपको एक एक चीज़ यहाँ पर मिल जाएगा, एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जब आपका ये फाइल रेडी हो जाए, अब आपको अगर इसमें और भी कुछ करना हो तो आप इसमें कर पाएंगे। ऐसे में ये मुझे थोड़ा बढ़िया लग रहा है। तो जब ये फाइल आपकी कंप्लीट हो जाए तो सिंपली आपको यहां पे जो ऑप्शन दे रहा है ये वाला ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक कर देना है, और इसको आपको सेव एज इमेज पे आपको क्लिक करना है, और सेव टू गैलरी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव टू गैलरी पे क्लिक करेंगे दोस्तों, ये आपका जो इमेज है ये आपके फोन में सेव हो जाएगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अच्छी तरह से सीख गए होंगे इंस्टाग्राम का ऐसे वाला पोस्ट बनाना या किसी भी फील्ड के लिए। हाँ, तो फटाफट से वीडियो को अभी लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए हैं फटाफट करिए, हाँ ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।